सभी छात्रों का गणित दर्पण चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम, या फिर इसको कह सकते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10th क्लास के अंदर आपके इस नाम से विभाजन एल्गोरिथम नाम से टॉपिक मिलेगा, और 9th क्लास के अंदर शेषफल प्रमेय के नाम से टॉपिक है, वो वही है बहुपद का बहुपद के अंदर भाग देना। यानी जो बहुपद दे रखा है जैसे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस तीन, इसके अंदर भाग देना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस दो का। अब कई सारे ऐसे आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो इस टाइप का है कि आपका हर डाउट है वो इससे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली कर पाएंगे। और ये 10th क्लास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आपको इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है और हर डाउट आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस तीन, ये बहुपद है और इस बहुपद के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस दो का भाग देना है। तो सबसे पहला तो देखिए थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ये जो बहुपद है इसको हमेशा एक सीरीज में आपको जमाना है। कैसे, सबसे पहले उच्चतम घात होनी चाहिए, उसके बाद में छोटी उससे, यानी एक अवरोही क्रम में घात होनी चाहिए, किसकी, चर की। चर और अचर तो ये अच्छे ढंग से आपको पता ही होगा, छोटी क्लासों के अंदर ही क्लियर हो जाता है। चर का अर्थ है ए बी सी डी के अक्षर, ऐसे समझ सकते हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी डी इस टाइप के अक्षर है वो उसको चर बोलते हैं, और तीन पाँच तीन इस टाइप की जो अंक है वो है अचर। तो जो चर की घात है, यानी यहाँ पे देखिए एक्स की घात तीन है, या एक्स स्क्वायर है, या है एक्स की घात एक, तो एक सीरीज में जमा हुआ है। देखिए यहाँ तीन घात है, उसके बाद दो, उसके बाद में एक। थोड़ा मैं इस प्रश्नों को समझाने में आपका समय लूँगा, फिर आप इजीली कोई भी क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, तो पूरा इसको ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए उसके बाद में यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे जैसे एक्स वाला पद और होता तो मैं एक्स लिखता उसके बाद में दो, अगर ये आगे पीछे है क्वेश्चन के अंदर तो उसको व्यवस्थित जमा के फिर यहाँ लिखना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आगे आएंगे, हम करेंगे वो। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस दो का भाग देना है एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस तीन। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में एक लाइन खींचना है, उसके बाद में यहाँ लिखना है भागफल के पद। अब भागफल के पद यहाँ हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूँ प्रथम पद, प्रथम पद। अब प्रथम पद में सबसे पहले करना क्या है, देखिए ये है भाज्य, यानी जिसके अंदर भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और जिसका भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। तो आपको क्या करना है, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देना है। देखिए भाज्य का प्रथम पद क्या है, यहाँ x की घात तीन, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ x की घात तीन बट्टा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो भाजक का प्रथम पद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ एक्स की घात तीन में किसका भाग देना है, एक्स स्क्वायर का। तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए घातांक नियम से आपको पता है कि जब आधार समान है तो घाते है वो ऊपर नीचे है तो घट जाती है, यानी तीन में से दो हो गया तो क्या बचेगा, एक्स। तो इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि दो से दो कैंसिल हो जाएंगे, एक एक्स है वो रह जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो प्रथम पद आ गया हमारा एक्स। तो जो भी रिजल्ट आता है, यानी यहाँ पे ये भागफल का प्रथम पद हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें लिखना है ऊपर, यानी आंसर है वो यहाँ आता रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ये जो x है, इस x का गुणा करना इस भाजक से, भाजक क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दो, ये गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस दो, यहाँ से जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो मैं इसके नीचे लिखूँगा, और भाग में कैसे घटाते हैं वैसे यहाँ हम घटाएंगे। तो देखिए x का गुणा करूँगा मैं किससे, एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, x की घात तीन। ठीक है, अब ये गुणा वगैरह ये तो बेसिक आपको पता ही होगा, अगर नहीं आता तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाके सब बने हुए, बहुपद का बहुपद से कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, और घातांक नियम। ठीक है, तो देखिए x का यहाँ एक है, थोड़ा बता देता हूँ, x की घात एक है, यहाँ x की घात दो है, तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो एक और दो मिलकर कितने हो गए, तीन। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से किया था, एक्स की घात तीन आ गया, और फिर माइनस एक्स का गुणा दो से करूँगा तो क्या आएगा, दो एक्स। ठीक है, अब जो भी ये मुझे मिला है x की घात तीन माइनस दो एक्स, ये मैं लिखूंगा यहाँ, और इसको लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि जैसा पद होगा वैसा ही पद यहाँ होना चाहिए, उसके नीचे लिखना है। अगर मान लो कोई पद नहीं है तो जीरो लगा के आपको लिखना है। तो देखो कैसे, देखो x की घात तीन है, ये आ गया x की घात तीन, तो यहाँ आ जाएगा नीचे x की घात तीन के नीचे तीन, फिर
एक्स वाला पद है, तो एक्स वाला यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो इसके नीचे कुछ ना लिख के सीधा मैं इसके 5x के नीचे लिखूंगा, क्योंकि मुझे क्या मिला एक्स वाला पद, तो इसके नीचे लिखना है माइनस के साथ में आ जाएगा 2x। ये ध्यान रखना है आगे जो भी सिंबल होगा वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ लाइन खींच के आपको इसको घटाना है, तो यहाँ लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ घटाना है माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। जब घटाते हैं तो सिंबल है वो चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको मैं काट देता हूँ ऐसे, तो ये आ जाएगा कैंसिल हो गया। अब जो पद बचे है वो ऐसे कैसे लिख लो वापस, देखिए माइनस 3x स्क्वायर, तो यहाँ लिख लूँगा मैं माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ 5x और 2x मिलके कितने हो गए 7x, और ये माइनस का 3 ऐसा का ऐसा। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना, देखिए वही एक सीरीज चलना चाहिए, x किया 2 मिला, फिर x मिला, फिर अचर पद। अब वापस प्रोसेस को दोहराना, अब प्रथम पद कंप्लीट हो गया, अब द्वितीय पद निकालते हैं, भागफल का द्वितीय पद। द्वितीय पद निकालने के लिए वही भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग देना है। देखिए भाज्य यहाँ पे अब नया भाज्य है वो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, तो भाज्य का प्रथम पद क्या है माइनस 3x स्क्वायर, लेता हूँ मैं माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसके अंदर भाग किसका देना है इस एक्स स्क्वायर का, हमेशा यही दोहराएंगे, तो एक्स स्क्वायर का भाग दे दिया, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा माइनस का 3, राइट। अब ये जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको कहाँ लिखते हैं हम ऊपर, यानी यहाँ आ जाएगा एक्स के पास में माइनस का 3, जो भी आता है देखिए ये माइनस था तो माइनस लिखा मैंने, अगर सिंगल जैसे 3 आता तो मैं लिखता प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए माइनस 3 जो आया इसका गुणा किससे करना है भाजक से, भाजक क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर वही किया था मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गुणा किया था किसके, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था एक्स, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 करो गुणा, देखिए माइनस 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करूँगा तो क्या आएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का गुणा माइनस 2 से होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा जब 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 6। ये जो भी प्राप्त हुआ उसको कहाँ लिखना है इस भाज्य के नीचे, तो लिखो यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6 है, तो देखो यहाँ एक्स के नीचे कोई पद नहीं आएगा, यहाँ सीधा 6 है वो कि कहाँ जाएगा 3 के नीचे, तो प्लस का 6 आ जाएगा इसके नीचे, यानी जैसा पद वैसा ही उसके नीचे लिखना है। वापस लाइन खींचो और घटाओ इसको, यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको काट दो, यहाँ से ही रह जाएगा हमारा प्लस का 7x, ये लिखो ऐसा का ऐसा, और यहाँ क्या स्थिति बनी है देखिए माइनस के 3 और माइनस के 6 क्या हो गया माइनस का 9, राइट। तो इस ढंग से देखिए प्रथम पद और द्वितीय पद से हमारे जो रिजल्ट है वो आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अंतिम जो शेषफल बचा है वो क्या है एक्स वाला पद है, और यहाँ पे भाजक का जो प्रथम पद है वो क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इससे अगर कम प्राप्त हो जाता है, यानी यहाँ घात 2 है यहाँ घात 1 है, यानी ये जो विभाजन प्रक्रिया है वो खत्म हो गई, अब आपके प्राप्त हो गया भागफल और शेषफल, तो शेषफल क्या मिला मुझे 7x माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको कि भागफल क्या है, यहाँ भागफल देखिए भागफल तो क्या हुआ x माइनस 3 जो ऊपर प्राप्त हो गया वो भागफल है x माइनस 3, और शेषफल है वो क्या आ गया शेषफल आ गया हमारा ये 7x माइनस 9, ठीक है। तो इस ढंग से इस विभाजन एल्गोरिथम या फिर शेषफल प्रमेय को आपको कंप्लीट करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।